हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडवुड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ साइट क्लीनिंग। जो मेरी साइट क्लीनिंग होती है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका साइट क्लीनिंग। तो साइट क्लीनिंग के लिए आपका, जब हम साइट क्लीनिंग करते हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपका, एज पर IS कोड एंड जो CPWD है आपका उसकी वर्क स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरी जो साइट की क्लीनिंग होनी है उसका जो मेजरमेंट मैं करूंगा, किस बेसिस पे करूंगा, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या आइटम उसके अंदर आपका बन सकते हैं, वो सब कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो भी आपका एज पर CPWD और आपका जो IS कोड है दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जो साइट क्लीनिंग का जो आपका IS कोड है वो है आपका IS 1200 Part 1। ठीक है, IS 1200 Part 1 के अंदर आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, साथ ही साथ आपका जो साइट क्लीनिंग का जो पार्ट है, ये दोनों का मेजरमेंट उसके अंदर आपका दिया हुआ है। इसके अलावा जो CPWD की वर्क स्पेसिफिकेशंस है उसमें भी आपका जो साइट क्लीनिंग का आइटम है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो आपका मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आप कभी भी अब IS 1200 आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट एक पॉइंट मिलेगा एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, की जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो किस एक्यूरेसी के साथ आपको उस आइटम को मेजर करना है। इसमें आपका मैं बात करूं तो जितनी भी डायमेंशन है उसको आपको मेजर करना है टू नियरेस्ट 0.01 मीटर। क्लियर, कितना तक आपको मेजर करना है आपको 0.01 मीटर। इसके अलावा मैं अगर आपका एरिया की बात करूं तो वो आपको मेजर करना है टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, और जो आपका वॉल्यूम मेजर करना है वो 0.01 क्यूबिक मीटर। तो इस एक्यूरेसी के साथ में आपको अपने जो भी आपका आइटम है उसका मेजरमेंट करना है। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट बात करता हूं तो नेक्स्ट है आपका कौन सा आइटम आपका सेपरेटली मेजरमेंट होगा, किसका आइटम, किस आइटम का रेट जो है आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। इसमें आपका जैसे कि आपको अंडर वाटर कोई वर्क करना है, ये मैं आपको जो लाइंस बता रहा हूँ ये IS 1200 के अंदर आपकी मेंशन है। अगर आप वर्क इन अंडर वाटर कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से पे किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी ऐसी फॉल सिचुएशंस है वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा। टाइडल कंडीशन है, काफी वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है तो उस केसेस में भी आपको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। साथ ही साथ वर्क इन स्नो, अगर स्नो पे है जैसे कि हिली स्टेशन पे कोई आप वर्क कर रहे हो और वहां पे काफी स्नो है तो उस केसेस में भी आपको आपको जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर मेजरमेंट उसका सेपरेटली किया जाएगा, उसको आपको अलग से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेरा फर्स्ट आइटम कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम होता है आपका क्लियरेंस ऑफ ग्रास। ठीक है, एक यहाँ पे इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक इमेज है, इस इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक आपकी साइट है। तो इस पे आपके कुछ ग्रास है, कुछ छोटे पेड़ है, कुछ बड़े ट्रीज भी है, तो सभी हम डिस्कस करेंगे कि बड़े ट्री को आपको कैसे रिमूव करना है, छोटे ट्री को आपको कैसे रिमूव करना है। तो इसमें फर्स्ट आइटम है आपका क्लियरेंस ऑफ ग्रास। तो इसमें आपका IS कोड क्या बोलता है, क्लियरिंग ऑफ द ग्रास एंड रिमूविंग ऑफ द रविस अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, आपको ये भी जो भी ग्रास है इसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको कितना, इसको 50 मीटर की आपको लीड दी गई है। दो तरह के आइटम होते हैं आपका, एक होता है आपका लीड, एक होता है आपका लिफ्ट, कभी डिटेल में इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CPWD जो आपका अलाउ करता है वो अगर आप एक्सकेवेशन के केस में करोगे देखोगे, जब हम आपका आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो 1.5 मीटर की लिफ्ट प्रोवाइड कराता है आपका और 50 मीटर जो है आपका क्या होता है लीड होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो या इससे एक्स्ट्रा आप जो है हाइट पे जाके मेटल की शिफ्टिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ग्रास को रिमूव करना है और 50 मीटर की डिस्टेंस पे उसको जो वेस्ट निकलेगा उसको आपको डिस्पोजल करना है तो ये आपका मेजरमेंट होगा किसके अंदर, आपका स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, जो भी आपका ये प्लॉट है, इस प्लॉट की जो भी आपका एरिया होगा उस एरिया को जो है आपका मेजरमेंट किया जाएगा। जो भी इसका एरिया आएगा, जो भी इस प्लॉट का एरिया आएगा उस एरिया का आपका लेंथ इनटू विड्थ जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वही आपका एरिया होगा आपका कौन सा, क्लियरेंस ऑफ द ग्रास। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोग जो है आपका नेक्स्ट मेरा जो आइटम है वो है आपका सरफेस ड्रेसिंग। ये आइटम आपको जो है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के अंदर भी मिलेगा और साइट क्लीनिंग के अंदर भी आपका ये आइटम है। इसमें देखते हैं आपका क्या है, इसमें आपका ट्रिमिंग ऑफ द नेचुरल ग्राउंड, जो भी नेचुरल ग्राउंड आपको मिला, अभी जो प्रीवियस इमेज के अंदर हम लोगों ने देखा था वो आपका नेचुरल ग्राउंड था, ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड एक्सकेवेटेड सरफेस। आपने पहले से ही, जैसे हम लोग फुटिंग का एक्सकेवेशन करते हैं और जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है जैसे JCB से मैंने इक्विपमेंट उसको आपको क्या किया, एक्सकेवेट किया। तो JCB से क्या होता है कि आपका उसके जो बकेट होता है
उसके 2 से 3 इंच की जो लेयर होती है वो उसको लूज कर देता है, तो उसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, तो वो भी आपका आइटम सरफेस ब्रशिंग के अंदर आता है। इसके अलावा फिल अप द एरिया टू रिमूव द वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन, जो भी आपका स्मॉल ट्रीज थे या लार्ज ट्रीज थे उसको हम लोगों ने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद वहां पे जो एरिया पे हमने मिट्टी फिलिंग की प्लस स्मॉल इनइक्वालिटीज, आपका कोई भी जो एरिया होता है वो इक्वल तो होता नहीं है, कोई भी नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अंडुलेशंस होती हैं, तो उन अंडुलेशन को भी मुझे रिमूव करना है। कितने तक रिमूव करना है, अप टू नॉट एक्सीडिंग 150 mm, अलाउ कर दिया है कि 150 mm तक की आपको जो इनइक्वालिटीज हैं वो आपको रिमूव करनी है। तो इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन है तो ये आइटम आपका कैसे मेजरमेंट होगा, आपका ये भी आपका स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेजरमेंट होगा। क्लियर, क्लियरली मेंशन है ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड को ट्रिम करना है, या फिर आपका एक्सकेवेटेड सरफेस है उसको ट्रिम करना है, प्लस फिलिंग अप द एरिया टू रिमूव वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन आपने वहां पे या जो स्मॉल ट्रीज थे उसको रिमूव किया है, उस एरिया को आपको बैकफिल करना है, प्लस आपके जो इनइक्वालिटीज है एरिया के अंदर उसको आपको इवन करना है। और कितने एमएम तक परमिसिबल है आपका, 150 mm तक आपकी परमिसिबल है, तो इस केसेस में हम उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, आपका स्क्वायर मीटर के अंदर। क्लियर, ये आपका सेकंड आइटम था सरफेस ड्रेसिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट आइटम आता है रिमूविंग ऑफ ट्रीज। अब रिमूविंग ऑफ ट्रीज के अंदर भी आपकी 2 कंडीशन है, पहले ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, जो आपके स्मॉल ट्रीज होते हैं उसका मेजरमेंट आपका अलग होता है, और जो आपके लार्ज ट्रीज होते हैं उसका मेजरमेंट आपका अलग से होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट, अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्लियरिंग ऑफ स्क्रब ब्रश वुड एंड स्मॉल ट्री नॉट एक्सीडिंग 3 mm गिर्थ, क्लियर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपका ट्री है, ये आपका ट्री का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, जब भी आप किसी ट्री को ऐसे कट करोगे हॉरिजॉन्टली तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस टाइप से उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपका क्या कह रहा है कि क्लियरिंग ऑफ द स्क्रब ब्रश वुड एंड द स्मॉल ट्रीज नॉट एक्सीडिंग 3 mm गिर्थ। अब ये गिर्थ क्या होती है आपकी, ये आपका ट्री है, इसका डायमीटर आपको चेक नहीं करना है, ये इस डायमीटर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जब आप ट्री को इस तरीके से मेजर करोगे, मैंने इस ट्री को टेप लिया, मैंने यहां से नापना स्टार्ट किया और इसका जो पैरामीटर है ये मैंने यहां से नापा इस डिस्टेंस को, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस तरह का मेरा कोई ट्री है जिसकी गिर्थ जो है वो आपकी कितनी है, अप टू 300 mm है, और ये मुझे मेजर कहाँ पे करना है, अब ट्री तो क्या होता है कि ट्री आप देखना कभी भी ट्री का जो सबसे बॉटम पार्ट होता है उसकी आपकी गिर्थ ज्यादा मिलेगी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपकी उसकी जो गिर्थ है वो थोड़ी कम होती हुई चली जाएगी। अब इसमें आपको मेजर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मेजर एट 1 मीटर अबो द ग्राउंड, ये अगर आपका क्या है, ये मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये मेरा आपका क्या है एनजीएल है नेचुरल ग्राउंड लेवल, इससे मैंने यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस में मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर कट करने पर मेरा कुछ इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे मुझे मेजर करना है उसकी गिर्थ जो कि 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा होगा, अगर आप इस पोर्शन पे इसकी गिर्थ मेजर करोगे तो काफी ज्यादा आएगी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे आपकी जो गिर्थ है वो कम होती हुई चली जाएगी। तो इसलिए इसमें मेंशन कर दिया है कि आपका ट्री की जो गिर्थ है वो आपका 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी 1 मीटर हाइट पे। तो अगर इस तरह का कोई ट्री है तो उसको रिमूव करने का आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाएगा, आपका टोटल जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे जो एरिया मेजर किया जा रहा है वो आपका मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। क्लियर, ये मेरा आपका एरिया है टोटल, ये मैं एरिया मान लेता हूँ, इसके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज होंगी, अंडुलेशन होंगे, स्मॉल ग्रास होंगी, वेजिटेशन होंगे, पेड़ होंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एक ट्री, ये ट्री एक ऐसा ट्री है जिसकी गिर्थ आपकी जो है अप टू कितना है 300 mm, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, मैंने क्या किया इसको यहाँ से रिमूव किया, तो मुझे इसको रिमूव करने का कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, जो इसका प्लान एरिया है वही नापा जाएगा, इस ट्री को रिमूव करने का मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट केस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी आपका रिमूविंग ऑफ ट्रीज का ही आइटम है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब मेरी ट्री की जो गिर्थ है वो आपका 30 cm या फिर 300 mm से एक्सीड कर जाती है। क्लियर, जब मेरी आपकी ट्री की जो गिर्थ है वो 300 mm से 30 cm से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में मुझे उस ट्री को रिमूव करने का अलग से पेमेंट मिलेगा। क्लियर,
आपको एरिया का परमिट तो मिल ही रहा है, लेकिन उस ट्री को रिमूव करने का आपको अलग से परमिट किया जाएगा। अब इसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपका अगर आपका 30 से 60 सेंटीमीटर तक है तो इसका आपको अलग रेट मिलेगा, इसका एक अलग आइटम बनेगा। अगर 60 से 120 है तो इसका आपका अलग आइटम बनेगा, 120 से 240 है तो इसका एक अलग आइटम बनेगा, क्लियर। और अबो 240 से ऊपर है तो उसका अलग रेट बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पे तीन चार कंडीशन सीपीडब्ल्यूडी ने मेंशन कर दी। ये कंडीशन आपको आईएस 1200 में नहीं मिलेगी, आईएस 1200 में सिर्फ इसके बारे में मेंशन है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने आपका ये चार कंडीशन अलग से मेंशन कर दी कि अप टू 30 से 60 अलग रेट मिलेगा, 60 से 120 अलग रेट मिलेगा, 120 से 240 अलग रेट मिलेगा, और 240 से अबो अलग रेट मिलेगा। अभी हम आपका डीएसआर का आइटम देखेंगे कि डीएसआर में कैसे कैसे अलग अलग आइटम का रेट आपका दिया हुआ है, क्लियर। तो ये थे सारे आपके मेजरमेंट्स की साइट क्लीनिंग को लेकर, हम कैसे कैसे किन किन आइटम्स को मेजर कर सकते हैं, किस किस तरीके से मेजरमेंट करना है। अब इसके अंदर फर्स्ट देखो मेरा ये आपका स्क्रीनशॉट डीएसआर का है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो फर्स्ट आइटम क्या है, सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डीप एंड डिस्पोजल ऑफ रबिश लीड टू 50 मीटर की लीड दी और 1.5 मीटर की लिफ्ट दी है, जैसा मैंने बताया था आपको कि 50 मीटर की लीड मिलेगी और 1.5 मीटर की लिफ्ट मिलेगी। तो इसका रेट आपको यहाँ पे देखो 218.15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पे रेट दिया। तो एक आइटम आपका ये बन गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी की स्क्वायर मीटर में रखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो आपका देखो यहाँ पे क्लीनिंग जंगल इंक्लूडिंग अपरूटिंग ऑफ रैंक वेजिटेशन ग्रास ब्रशवुड ट्रीज एंड सैपलिंग्स ऑफ गिर्थ अप टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे अप टू 30 सेंटीमीटर का आपका दिया हुआ, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर मीटर के अंदर आपका रेट दिया हुआ है जो कि आपका 14.50 रुपए पर स्क्वायर मीटर, क्लियर। यह अलग आइटम हो गया जिसमें सरफेस ड्रेसिंग इंक्लूड है, ये आपका आइटम कौन सा हो गया रिमूव ऑफ ट्री वाला। अब इसके अंदर नेक्स्ट आइटम डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट वाला मेरा आपका आइटम था। इसके अंदर आपका देखो फेलिंग ट्रीज ऑफ गिर्थ मेजर्ड एट द हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर हाइट पे मेजर करना है, इंक्लूडिंग कटिंग को इंक्लूड करना है, ब्रांचेस आपका सारी चीजें दी गई इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ ट्रंक्स ब्रांचेस रिमूविंग द रूट्स एंड द सेकिंग ऑफ द सर्विसेबल मेटल एंड द डिस्पोजल ऑफ द अनसर्विसेबल मेटल। ट्री को कंप्लीटली रिमूव करना है, उसकी कटिंग करनी है, जो भी उसकी ब्रांचेज है उन सबको कटिंग करना है, प्लस उसको जो भी आपका वहां पे यूजेबल सर्विसेबल मटेरियल है और अनसर्विसेबल मटेरियल है उस सबको वहां से शिफ्ट करना है, ये आपका आइटम के अंदर इंक्लूड है। अब इसमें देखो आपका बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर गेट अप टू 30 to 60 यहाँ पे आपका 439.25 रुपए रेट है, 60 से 120 आपका 1957.15 है, क्लियर। उसके बाद 120 से 240 आपका 9084.05 है, ठीक है, 240 से ऊपर जो है 18198.70 है। तो अलग अलग ये सीपीडब्ल्यूडी ने, मैंने अभी प्रीवियस दिखा था कि सीपीडब्ल्यूडी ने अलग अलग डिफाइन कर दिया था कि गिर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या रहेगा, तो वो सभी का रेट देखो आपका यहाँ पे अलग अलग रेट है, ऐसे ही आपका मेजरमेंट होगा। अगर ये सारे ट्रीज आपके इस तरीके से साइट पे है और आपने उनका रिमूवल किया है तो इस तरीके से आपके पीओके में ये आइटम इस तरीके से दिया हुआ होगा, क्लियर। ये आपका अप टू 30 सेंटीमीटर था और ये आपका सरफेस ड्रेसिंग का आइटम है। तो इस तरीके से आपको अब मेजरमेंट करना है, जब भी साइट क्लीनिंग करोगे आप साइट पे तो इस तरीके से आपको जो है उसका क्या करना है, आपको मेजरमेंट करना है हर एक आइटम को। मैंने आपका आईएस 1200 और सीपीडब्ल्यूडी दोनों को मिक्स करके ये पीपीटी तैयार की थी जिसके अंदर आपका दोनों ने आपका क्या बोला है, आईएस कोड ने क्या बोला है और आपका सीपीडब्ल्यूडी ने क्या बोला है, एंड फाइनली मैंने आपको यहाँ पे जो डीएसआर के जो रेट है आपके, जो डीएसआर आपका क्या बता रहा है, क्या आइटम है डीएसआर के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपका डीएसआर आपको क्या बता रहा है, क्या क्या आइटम इसके अंदर है, क्लियर। तो आई होप आपको ये जो साइट क्लीनिंग का जो मेजरमेंट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा काफी अच्छे से। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप उस नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हैं, क्लियर। और ये अगर आपको पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन की उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर ना मिले तो नीचे जो नंबर आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट भी ये जो फाइल है आप हमसे ले सकते हैं, क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।